मॉर्निंग गाइस, मैं सुनील फिर से आप सभी के सामने उपस्थित है। स्वागत है आप सभी का पोस्ट मैच अपडेट में। विजय हजारे ट्रॉफी असम वर्सेस सिक्किम के बीच छठवां मुकाबला था असम का, और शानदार 7 विकेट से यहां पर असम ने यह मैच को जीत लिया है। शानदार पल्लव कुमार दास के शतक और रोशन आलम के घातक 5 विकेट गेंदबाजी से यहाँ पर असम ने मैच को जीत लिया। सिक्किम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 48.5 ओवर में 176 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जहां पर प्रीतम दास ने 2 विकेट लिए, रोशन आलम ने 5 विकेट, वहीं पर बिनमय अबुनासिम और रियान पराग को 1-1 विकेट मिला। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो पिछले 5 मैचों में यहां पर पल्लव कुमार दास फ्लोप रहे थे, कुछ अच्छा खास नहीं कर पाए थे, मगर इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। 12 चौके और 5 छक्के के मदद से यहाँ पर उन्होंने शानदार शतक लगाया, 170 रन बनाए। तो वहीं पर असम का पहला विकेट 29 रन पर शिवशंकर यहाँ पर सौरभम प्रकाशता के रूप में गई थी। उसके बाद शिवशंकर रॉय यहाँ पर थोड़ा सा साथ दिए पल्लव कुमार दास का, मगर वो भी जल्दी चलते बने, और गोकुल शर्मा भी। उसके बाद ऋषिकेश तामुली ने पल्लव कुमार दास का साथ दिया, और यहाँ पर चौथे विकेट के लिए उन दोनों ने 72 रनों की साझेदारी दी, और 36.3 ओवर रहते हुए यह मैच को 7 विकेट से असम ने जीत लिया। तो यहीं पर अगर हम अंक तालिका की बात करें तो असम इस समय 5वें स्थान पर है, पुंडीचेरी, मेघालय, उत्तराखंड। इसके बाद अगर असम की बात करें, अगर असम का अभी 3 मैच बाकी है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पुंडीचेरी और मेघालय, अगर ये वो असम ये तीनों मैच जीती है तो क्वार्टर फाइनल में उनकी जगह सुनिश्चित हो जाएगी। और यस, अगर असम को क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करनी है तो यहाँ पर फिर से हमें शिवशंकर रॉय, पल्लव कुमार दास और सौरभम प्रकाशता जैसे अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत है। तो वहीं पर प्रीतम दास और रोशन आलम की गेंदबाजी अति अनिवार्य है। यहाँ पर रोशन आलम ने इस सीरीज़ में 16 विकेट लिए, तो वहीं पर प्रीतम दास ने 17 विकेट अर्जित किए। तब तक के लिए मैं सुनील इजाज़त चाहता हूँ। यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कमेंटेटर सुनील गुरुंग, ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।